गाइस गुड मॉर्निंग। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ये पहना है, ये भाई का है, पता नहीं किसका बालक है मैंने, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ मम्मी लोग के साथ हेल्प करने खेत पे। पहले मैं एक बार ढूंढ लूँ सॉक्स। अच्छा तो रो एक मैं तो पूरा मैंने ऐसे पहन रखा है। फिर वो अभी खेत पे, एक खेत पे तो उन्होंने डाला, फिर मैंने नाश्ता बनाया। अभी दूसरे खेत में जा रहे हैं वो लोग, तो मैंने कहा मैं भी आती हूँ, थोड़ा मदद कर दूँगी। तो मैंने ये डाल लिया, उसके बाद मैं जाती हूँ थोड़ा, मैं चलो आने के बाद ही धो लूँगी। अभी जाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, आज संदी खेत का काम कर रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। क्या? हाँ जले। तो मैं आपको बड़ी मम्मी और मम्मी संदी दिखाते हैं। संदी क्या कर रही है? तो मैं आपको खेत दिखाती हूँ। अब ये हमारी बच्ची ओमिलाई गोलू ओमिले गोलू, और ये दादा पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं तो भूल भी गई नाम इसका, चला रहा है अभी ट्रैक्टर ट्रैक्टर। यहाँ पे तो कीड़े हैं। ये बड़ी मम्मी मम्मी तो गई परसा लेने, परसा जो भी कहते मतलब रखने। आजा मतलब बेलू, आजा मतलब बेलू। मैं इनको थोड़ी घास खिलाती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से लेके। इतना ही अभी के लिए बहुत है, नहीं तो यही पूरा खा देती है। और को क्या दूं मैं? आओ, आध खा दे रही है मेरा। हाँ अब दूसरी वाली को खिलाते हैं। चलो अब तेरा हो गया खत्म, अभी बकरी को भी खिलाएंगे अगर खाएगी तो। ये ले मेरा बाबू, ले ने तो गिराई दिया सारा। अब ये लोग वापस आ गए। ओ वो खेत हमारा, पता नहीं मेरे को भी याद नहीं कहाँ तक है। तो अब परसा ले जा रहे हैं। जा रहे हैं अभी हम लोग भी चलते हैं। हमारी मदद करने आ दो
पागलों लड़के कैसे आएंगे? जो यहाँ तेरी वीडियो देखते होंगे वो आएंगे। तभी तो तेरी गाइस ने हमारी मदद करनी है, हमको बहुत भूख लग रही है। दिखाती हूँ वो पूरा खेत दिखाता हूँ। अब खेत में जाते हैं फिर बोले बच्चों। वो वहाँ ट्रैक्टर चला रहे हैं चाचा, हम भी देखते हैं। चलो ऐसे करने में ना ये दस रहा है। हाँ पैर रखो दस जा रहा है। ट्रैक्टर चला रहे हैं ना चाचा। जाते हैं फटाफट। ट्रैक्टर ये हमने पूरा फेंक दिया और चाची ने आधा बराबर भी कर दिया है। यहाँ का करना है थोड़ा बराबर। क्या अच्छी यार बहुत धूप लग गई है। ला आती हूँ आपको गाना लूडू। इसको पूरा बराबर करेंगे उसके बाद इसमें मक्के लगाएंगे। अभी ही शाम को लगाएंगे शायद। अभी ये दोनों गोबर फेंक रहे बराबर कर रहे हैं। एक एक लेबर ये रई में रहती है, दूसरी वो है वो खटी में रहती है। अब मम्मी ये बुबू हमारे यहाँ के हैं, वो प्रसाद फेंक रहे हैं। इनकी बहू है सब तुम्हारा घर रहते हैं। ये बुबू का दुख पड़े और इनकी पत्नी इनका पर्सा था वो फीस फीस बोल दी है खेत में। यहाँ सभी काम करते हैं, मतलब जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, गांव में ऐसे ही होता है। बहुत से लोगों को हमारी पहाड़ी समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि हर जगह की अलग अलग पहाड़ी होती है, हमारी अलग है और उसकी अलग होती है। तो किसी किसी को आ रही होगी, वो समझ गए होंगे कि क्या बोल रहे हैं। इस वाले खेत में लगा दिया हमारा और इस वाले खेत में शायद शाम को लगाएंगे क्योंकि अभी किसी और का लगा रहे थे भाभी लोगों का। तो हमने फेंक दिया और उसको बराबर भी कर दिया। तो अभी मैं घर में आ गई हूँ, मतलब घर के वहीं पे हमारा खेत, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे घर है और जस्ट यहीं पे खेत है। तो मैं घर आ गई हूँ, अब एक बार आत्मा धोती हूँ चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद शायद मेरे को चाय बनाने के लिए बोलेंगे तो चाय बनाती हूँ, फिर चाय पीते हैं। पता नहीं अभी ट्रैक्टर वाले आ रहे नहीं आ रहे अभी यहाँ पे। तो अभी तो मैं इतनी गोरी दिख रही, लेकिन मुझे पता है कि मैं रियल में कैसी हो रखी हूँ क्योंकि धूप में बाप रहे
मतलब गांव वाले इतनी मेहनत करते हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं क्या बताएं। हम थोड़ी देर 10-15 मिनट भी हमें काम करने में ऐसा हो जाता है, वो दिन भर खेतों में लगे रहते हैं। और मम्मी पता नहीं क्या करने और चली गई नीचे। चलो बाप रे, मतलब अकेले, और वो भी इतना। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये क्या खा रही है और कितना बड़ा खा रही है। खा रही है तरबूज, और ये पूरा आधा तरबूज खा रही है, और वो भी अकेले। दिखा। और इसने सुबह उठ के ना ब्रश किया है और ना मुंह धोया है। किस टाइम क्या था ये? पूरा आधा लेके आई है। बाप रे, छिछी मत कर, ऐसा कपड़ों में लग रहा है। हाँ मैं हट रही हूँ। और इसका नाम सिम्बू। मेरे सॉक्स फट गए अभी। अच्छी यार, मेरे कपड़े, मेरी पूरी हालत खराब हो रखी है। सिम्बू, ये बगल वालों का कुत्ता है, आमा लोग का, पर ये हमारे यहीं पे रहता है ज़्यादातर। अभी लोगों ने खेत में होकर रखा है तो धुआं धुआं हो रखा है पूरा यार। पर ना पता नहीं क्यों गांव में आके व्लॉगिंग करने का मन कर रहा है। इस बार पहली बार है कि मैं गांव में कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं, मतलब जब से मैं वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैं डालती भी नहीं थी, मैं बनाती भी नहीं थी। मैं लग गया।